मेरा ससुर नहीं लगा सकता, मेरी बोली मेरा साला नहीं लगा सकता है। बगैर किसी जहेज, बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी मुतालबे के ऐलान करके बता दो कि हम अपना निकाह मस्जिद में करके जमाने को बताने वाले हैं। पक्की है, बिकोगे या टिकोगे? बिकोगे के टिकोगे, बिकोगे के टिकोगे। याद रखना, अगर यहाँ तुम टिक गए तो किसी बड़े पेट वाले की औकात नहीं है जो हमको गिरा सकता हो। और अभी अल्लामा नुमान साहब ने जो अर्ज किया, जो गुफ्तगू फरमाई, अब इसी के साथ एक आखिरी बात, क्या आप चाहते हो कि मेरे नबी की तौहीन करने वालों के खिलाफ कोई कानून बने? जोर से बोलकर बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? इस कानून को बनाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल जाना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल भरना पड़ेगा तो भरोगे? जमाने के हुक्मरानों, चाहे बिहार वाले हो तो भी सुनो, और दिल्ली वाले हो तो भी सुनो, हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते, रसूल के बगैर नहीं जी सकते। नारे नारे तकबीर। मैं भी सोचा था कि कुछ बोलूंगा, लेकिन फाजिले गिरामी शहजादे वकारे मिल्लत ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको मैं मजबूरन आपकी अदालत में डालना चाहता हूं। महुआ बलियावी के लिए कोई नई जगह नहीं, मुझे याद है कि मेरी पहली तकरीर इस इलाके में करहटिया बुजुर्ग में हुई थी, जब मेरी रेख निकल रही थी। हमारे हाफिज अलाउद्दीन साहब, हाफिज सईद साहब उस वक्त ये भी जवान थे। दूसरी तकरीर फिर मदरसा फैजुर रसूल में, हमने तकरीर की है, जलसे बहुत किए, और दुआएं आपकी थी, वोट आपका नहीं था। राज्यसभा भी किया, एमएलसी भी रहा, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब भी जानते, डॉक्टर अमजद रजा भी जानते, मौलाना सैयद अहमद रजा भी जानते, अमीने शरीयत भी जानते, और बहुत करीब से मुहिब्बे गरामी हजरते अल्लामा नुमान भी जानते। इतना कुछ होने के बाद भी बलियावी आपका दो चीज से समझौता नहीं किया, ना अपने मसलक से सियासत में समझौता किया, और ना अपनी मिल्लत के मफाद से कभी समझौता किया। एनआरसी का तूफान आया, महुआ में भी आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद
लड़ाई लोगों ने समझा खत्म हो गई, लेकिन याद रखना तेरे बलियावी ने इस लड़ाई को मरने नहीं दिया है, जिंदा रखा। सुप्रीम कोर्ट में अहले सुन्नत की तरफ से तनहा मुद्दई की हैसियत से इदारे शरिया है। तीन तलाक का मसला आया जिसमें यह फैसला हुआ कि साहब कोई मुसलमान अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी, फिर भी सजा 3 साल की। उस फैसले के खिलाफ भी आपका बलियावी, आपका इदारे शरिया उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। अभी हफ्ता दिन पहले मौलाना कुतुबुद्दीन को लेकर वकीलों के दरवाजे दरवाजे भटकते रहा हूं। ये लोग करीब से जानते हैं कि मेरी एक ही औलाद है, बीमार रहती है। मैं भी चाहता तो कई एक शहरों में मेरे मकान फ्लैट हो गए होते, लेकिन लोगों ने एमपी रहते हुए भी किराए के घर में बलियावी को देखा है। एमएलसी की हैसियत से भी बलियावी को लोगों ने किराए के घर में देखा है। जिस मर्द आहन ने बलियावी की परवरिश की है ना, उस रईसुल कलम ने मुझको सिर्फ एक मेरी घुट्टी में सिर्फ एक ही चीज पिलाया है, बेटा तुम अपने मसलक और मिल्लत की फिक्र करना। तुम अपनी जमात और अपनी मिल्लत की फिक्र करना, सब तेरी फिक्र में पागल रहेंगे। ये मेरी ताकत नहीं है कि इतने उलमा एक आवाज पर इकट्ठा हूं, ये ताकत तो मेरे दी हुई उन बुजुर्गों की है जिन बुजुर्गों के नूरानी हाथों ने, करामत वाले हाथों ने बुनियाद डाली थी। वही पटना शहर है हुजूर अमीन शरीयत दामो फौज हुकुम, जब हमारी इदारे शरिया की इमारत देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अल्लामा कसीमुल हक साहब लोग कहते थे ये बरेलवियों का है देख लो, लेकिन एमपी बनने के बाद तेरे बलियावी ने अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन 12 कट्ठा जमीन खरीद कर अहले सुन्नत का एक किला इदारे शरिया बहुत खूब। सुभान अल्लाह, दुनिया में सौदा क्या करना है मौलाना नुमान साहब, सौदा तो हो चुका है गुंबदे खजरा वाले से, बस हम तो जी रहे हैं इसलिए कि मदीने की सरकार इस सौदे को कबूल कर ले, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी गुफ्तगू के बाद, इतनी तकरीर के बाद अब आखिरी वक्त है हमको वैशाली और महुआ से 50 नौजवान चाहिए कुमारे इस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए। वो चाहिए जो कुमारे हों, वो कौन है जो खड़ा हो रहा है। इतनी मेहनत का अब नतीजा देखना चाहते दो पहले समझा दी, कुमारे बच्चे चाहिए क्यों, 3, 4, 6, 8, 10 जो कुमारे हैं वो चाहिए, सब शादी जिनकी शादी नहीं हुई है वो नौजवान हमें चाहिए। अरे जिसकी जिसकी शादी नहीं वो खड़े हो जाए, नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं, जो
जो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे वो खड़ा हो, जो तुम्हारे खड़े हुए हैं वो जरा हाथ उठा लें, दाएं बाएं देख लीजिए और कोई कुमारा है जो इस तहरीक का इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है। अरे वाह, तुमने जबरदस्ती नहीं, जिस लड़के की शादी नहीं हुई है उसकी जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। अब देखिए नतीजा, जो कुमारे हैं उनकी जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने महुआ। अब मैं खड़े हुए अपने उन नौजवान अजीज बच्चों से पूछता हूं, बोलकर बताना, क्या इस तहरीके बेदारी के का हिस्सा बनना चाहते हो आप? जोर से बोलकर बताओ, इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हो? पक्का बनोगे? तो आपसे एक ही विनती है कि आज अहद करो। अगर आपका वालिद आपको 3 लाख 5 लाख और एक मोटरसाइकिल पर बेचना चाहे तो बाप का पैर पकड़ लेना। खड़े रहो जवानों, खड़े रहो, खड़े रहो जवानों। बैठ गए, बैठ गए, खड़े हैं। वो जो गेट पर खड़े हैं वो भी इसी में हैं। वो लक्षण आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जो खड़े हो गए हो आगे आ जाओ, जो इस तहरीक का हिस्सा बनोगे आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। आज हुसैन के गुलामों का पहला इम्तिहान महुआ से शुरू है। बताएंगे हम अपनी बेटियों के इज्जतों के कातिलों को, अब हम वो नहीं रहे जो तेरे छुछुंदर की आवाज से हम दब जाएंगे। हम अपनी बेटियों की आबरू बचाने के लिए अपने जवानों को तैयार। वाह 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 वाह, ये देखिए मौलाना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एदारे शरिया बिहार, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस वैशाली, नौजवानाने महुआ वैशाली। वाह वाह वाह, ये तकरीबन 350 300 से ज्यादा मेरे रसूल के गुलामों ने, जो बच्चे मेरे कुंवारे हैं, आज अहद कर रहे हैं कि मेरी कीमत मेरा ससुर नहीं लगा सकता, मेरी बोली मेरा साला नहीं लगा सकता है। बगैर किसी जहेज, बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी मुतालबे के ऐलान करके बता दो कि हम अपना निकाह मस्जिद में करके जमाने को बताने वाले हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। तो बात पक्की है, बिकोगे या टिकोगे? बिकोगे के टिकोगे, बिकोगे के टिकोगे। याद रखना, अगर यहां तुम टिक गए तो किसी बड़े पेट वाले की औकात नहीं है जो हमको गिरा सकता हो। और अभी अल्लामा नुमान साहब ने जो अर्ज किया, जो गुफ्तगू फरमाई, अब इसी के साथ एक आखिरी बात, क्या आप चाहते हो कि मेरे नबी की तौहीन करने वालों के खिलाफ कोई कानून बने? जोर से बोलकर बताओ,
बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? इस कानून को बनाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल जाना पड़ेगा तो चलोगे? अगर जेल भरना पड़ेगा तो भरोगे? जमाने के हुक्मरानों चाहे बिहार वाले हो तो भी सुनो, और दिल्ली वाले हो तो भी सुनो। हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते, रसूल के बगैर नहीं जी सकते। नारे लड़ाई की आज शुरुआत हुई है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तेरे बलियाबी को एमपी एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। अब एक ही जुनून है कि मेरी जमात में कुछ लोग पैदा हो जाएं, चाहे उलमा में से हो या आवाम में से। जब हम 70% अहले सुन्नत के लोग हो करके अब बहुत सारा कचड़ा कांधे पर नहीं उठाएंगे, अपना विकलांग ही बेटा से ही उसको कांधे पर लेकर घूमेंगे। आज मेरे बच्चों के मेरे मकान और मेरे बच्चों को लोगों ने लवारिस समझ लिया। सेकुलर कहलाने वाले भी कान खोल के सुन ले, और महागठबंधनों की लठबंधन ये भी सुन ले, दो कानून तो बनाना ही पड़ेगा। पहला कानून ये कि जो नबी की तौहीन करे उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून हो, और जो बगैर सबूत के मेरे बच्चों को आतंकवादी कहे उसके खिलाफ भी एक ऐसा कानून हो कि दोबारा मेरे बच्चों को दहशतगर्द कहने की हिम्मत न जुटा सके। इसके लिए जिस तरह दलित भाइयों के जान की, माल की, इज्जत की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह अब जरूरत आ गई है कि इस देश में मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इस लड़ाई में इदारे शरिया आवाज दे तो साथ छोड़ोगे कि साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? आवाज दे दारा कि गांधी मैदान भर दो तो भरोगे कि भाग जाओगे? अगर आप इकट्ठा हो गए तो याद रखना, सत्ता पर कोई बैठा हो उसकी चाबी मुसलमान की औलादों की जेब में डाल दो। अब अपनी जगह बैठ जाइए। अपनी जगह बैठ जाइए, जाइएगा नहीं। अभी हुजूर अमीन शरीयत कुछ कहेंगे, उसी के लिए तो बैठा है। जल्दी बैठ जा बाबू, जल्दी बैठ जा। अब एक शुक्रिया तो मैं अदा कर लूंगा, मैं अपने काजी शरीयत और शाही जामा मस्जिद महुआ के मुंतजमा का, इमाम का, पूरे महुआ के नौजवानों का, पूरे वैशाली के हर गांव मस्जिद के उलमा का, अइमा का, नौजवानों का, और अपनी कौम के उन तमाम जिम्मेदारों का,
इदारे शरिया के खादिम की हैसियत से और इस कारवां में चल रहे अपना कीमती वक्त प्रोग्राम छोड़कर नजराना छोड़कर दिलबर शाही साहब हो, हबीबुल्ला फैजी साहब हो, अलहाज दिलकश राजवी हो, अल्लामा नुमान अख्तर हो, हुजूर अमीने शरीयत हो, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब हो, अल्लामा सैफुल्ला आलिमी साहब हो, मौलाना आसिफ इकबाल साहब हो, मुफ्ती हसन रजा साहब हो, तौकीर रजा इलाहाबादी हो, मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद हो, हमें फख्र है कि रईसुल कलम ने जो अपनी रूहानी औलादों के लिए जो नक्श छोड़े थे अहले सुन्नत के हर आलिम के दिलो दिमाग पर वो नक्शे कादरी मौजूद है कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम लिफाफा नहीं देखेंगे, हम अपने मसलक और अपनी जमात को देखेंगे। आपने मुठिया के चावल से, जकात से, फितरे से जो मदरसे की मदद की थी, मदरसा के असातिज़ा ने, इंतजामिया ने क्या खूबसूरत बारात सजाई है साहब। अब इस सजे हुई बारात में दूल्हों की दस्तारबंदी की बारी आ रही। इन्हीं चंद जुमलों के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पीरे तरीकत हजरते सूफी मिल्लत हसरत वैशालवी साहब, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब तेगी कलकत्ते में मुलाकात हुई। मैंने जब कहा कि आपके शहर में प्रोग्राम है, उन्होंने फरमाया कि हर कीमत पर मैं चल पड़ूंगा। और इस वक्त मुझे फख्र भी है, नाज भी है कि मैंने उनको देखा है और उनसे फैज पाया नहीं, बटोरा है। बखुदा मैं बोलते बोलते काजी साहब मेरी आंख नम हो जाती है। जब पहली बार हजरत चांदपुर फतह से मुलाकात हुई थी तो ऐसा लगा था कि मैं इनसे पहली बार नहीं मिल रहा हूं, बहुत पुरानी मुलाकात है। और उसके बाद तो आलम ये कि जब किसी जलसे में बलियाबी का नाम पोस्टर में हो, हजरत शरीक हो, तो गांव की जबान में पूछते थे, बउआ हो, बलियाबी आए लो, बउआ बलियाबी आए लो। मुझे याद है इस इलाके में दो फकीर ऐसे रहते थे, जब बलियाबी पर मुकदमा हुआ था, हंगामा हुआ था, तो इसी बक्सामा से हजरत सूफी अब्दुर्रहमान साहब गए थे। मौलाना नुमान साहब रुमाल में कुछ सिक्का कुछ रुपया बांधे हुए थे और फरमाते हैं, बउआ हो, घबराई हो ना, पैसा का कमी ना होगा, अच्छा वकील करिए बेटा, आज आंखें ढूंढती हैं कि जिन चट्टानों के साये में हम छाती ठोक करके किसी को भी कहते थे आओ फरिया लो, अब वो नहीं है, लेकिन उनका खून मौजूद है, उनकी औलाद मौजूद है। आज अल्लामा शाह कसीमुल हक साहब ने ये साबित किया और जब से आया हूं तब से फरमा रहे हैं कि तहरीके बेदारी का तसलसल रुकना नहीं चाहिए, इस सिलसिले को बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है। जब हमारी खानकाहों की छतरी मेरे सर पर है तो दिल्ली वाले के जुल्म के बादल के कलेजे को भी कीलों से तौल लेंगे इंशाअल्लाह। मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा नाम पुकारे बच्चों की दस्तारबंदी।